अगर आपको आपके पैरों में एंकल के पास या घुटनों के पीछे या पैर में कहीं पर भी आपको वेरिकोज वेन की शिकायत है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये वेरिकोज वेन क्या है और क्यों होता है। तो जो वेन है वो आर्टरी से डिफरेंट होता है। हमारे शरीर में ब्लड वेसल दो तरीके के होते हैं, एक आर्टरी और एक वेन। जो आर्टरी होती है वो खून को हार्ट से शरीर में दूसरे हिस्सों की तरफ लेके जाती है, और जो वेन होती है उसका काम होता है शरीर के दूसरे हिस्सों से खून को वापस हार्ट की तरफ लेकर आना। तो जो वेन्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि आप उन्हें ऊपर ही देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हाथों में आपको ये जो हरा रंग का या कुछ लोगों में थोड़ा ब्लूइश दिखता है, ये सब वेन्स है। आर्टरीज ऊपर विजिबल नहीं होते, वो थोड़ी डीप होती हैं। तो ये जो वेन्स होती हैं इनमें दरवाजे लगे हुए रहते हैं जिन्हें वाल्व्स कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी ब्लड फ्लो करता है तब ये दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि खून पीछे वापस ना फ्लो करे। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। वेरिकोज वेन में क्या होता है, ये दरवाजे जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते ठीक से, उसकी वजह से क्या होता है ये हमेशा खुले रहते हैं। तो खून जब आगे की तरफ जाता है तो बहके वापस पीछे भी आ जाता है। जब ये वेन्स के वाल्व्स खराब हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट खून को वापस हार्ट की तरफ पुश करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से जो खून है वो वहीं वेन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से जो वेन्स हैं वो फूली हुई दिखती हैं या फिर ज़िगज़ैग या सांप की तरह दिखती हैं। कुछ लोग इन्हें स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं और मेडिकल टर्म से वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, और स्मोकिंग इसके कुछ कॉजेज हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, इनके सिम्टम्स में क्या होता है कि पैरों में हैवीनेस सी फील होती है, पैरों में दर्द भी होता है। कुछ लोग को काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोग को चलने पे दर्द होता है। साथ ही साथ जहाँ पे वेन्स खुली हुई होती है वहाँ पे दबाने पे भी जो मसल्स होते हैं वहाँ के आसपास उनमें भी दर्द होता है। इस एक्सरसाइज को सीटेड काफ रेस बोलते हैं। इसे करने के लिए आप किसी भी स्टूल पे या अपने बेड के एज पर आराम से बैठें और उसके बाद अपनी एड़ियों को इस तरह से ऊपर लेके जाएं और नीचे लेकर आएं। जब भी आप ऐसा करें तो मेक श्योर करें कि जो आपके काफ मसल्स हैं उन्हें आप अच्छे से स्क्वीज कर रहे हैं और फिर एड़ी को नीचे लेके जा रहे हैं, इन ऊपर और नीचे। ऐसा आपको 15 से 20 बार करना है और दिन भर में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग काफ रेस बोलते हैं। इसे करने के लिए आपको इस तरह से एड़ी को ऊपर उठाना है और नीचे लेके जाना है। ये सीटेड काफ रेस का एडवांस वर्जन है। इस तरह से ऊपर और नीचे एड़ी को ऊपर लेके जाएं, काफ को स्क्वीज करें और नीचे लेकर आएं। 10 से 15 बार रिपीट करें और दिन में 2 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने बैक पे इस तरह से लेट जाएं और फिर एक बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने पंजों में अपने फुट में इस तरह से बेल्ट को फंसाएं और फिर पैर को इस तरह ऊपर उठा लें और पंजों को सीलिंग की तरफ पुश करें। कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है। देखिए इस तरह से जब आप पंजों को पुश करेंगे तो आपके काफ मसल्स एक्टिवेट होंगे, पंप होंगे, और जो ब्लड है, जो खून है वो ग्रेविटी की मदद से आपके हार्ट तक पहुंचने में उसे आसानी होगी। दिन भर में 2 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपने बैक पर लेट जाना है। आप चाहें तो मेरी तरह एक स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 3-4 पिलो यानी तकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस अपने पैर को इस तरह से उठाकर स्टूल पर रख लेना है और आप चाहें तो इस तरह से इसे मेंटेन कर सकते हैं या फिर अपने पंजों को आगे और पीछे मूव करें। इससे काफ मसल्स की पंपिंग होगी और ग्रेविटी की मदद से और साथ ही मसल पंपिंग की वजह से जो ब्लड है वो नीचे आएगा और हार्ट की तरफ जाने में उसे आसानी होगी। इसे आपको कम से कम 2 मिनट करना है और दिन भर में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को काफ रोलिंग बोलते हैं। इसे करने के लिए एक फोम रोलर को अपने काफ मसल के नीचे रख लें और फिर दूसरे पैर को अपने पहले पैर पर चढ़ाकर हाथों की मदद से रोलर पे आगे और पीछे रोल करना है। इससे काफ मसल्स का मसाज होता है और आप चाहें तो अगर जो वेरिकोज वेन है अगर वो आपके घुटनों के पीछे हैं तो आप चाहें तो आप अपने थाई के पीछे इसे इस तरह से रख सकते हैं रोलर को और इस तरह से उसकी सेल्फ मसाजिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों पैर साथ में रख के भी इसे रोल कर सकते हैं, उसी तरह काफ को भी दोनों पैरों को साथ में रोल कर सकते हैं। इसे आपको 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स के लिए रोल करना है। ये एक्सरसाइज काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए है। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह से खड़े रहना है। जिस मसल की स्ट्रेच करनी है जिस पैर की वो पैर पीछे की तरफ रहेगा, दोनों जो पैर की उंगलियां है वो सामने की तरफ रहेंगी और जो एड़ी है वो जमीन से लगी हुई रहनी चाहिए और इसके बाद आपको इस तरह से आगे झुकना है और ऐसा करने पे आपको काफ मसल में स्ट्रेच फील होगा। जैसे ही खिंचाव महसूस हो उसे आधा मिनट यानी 30 सेकंड होल्ड करें और 3 बार रिपीट करें। इसी तरह से आप अपने दूसरे पैर को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए जो एड़ी है वो जमीन से लगी रहनी चाहिए, घुटना सीधा रहना चाहिए और आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 बार रिपीट करना है। जल्दी इन एक्सरसाइज को शुरू करें और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर उनमें से किसी भी एक मेंबर की आप हेल्प कर पाएं तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करिए कि अगर आपको कोई और तकलीफ है तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगा।